2023 चुनाव में युवाओं पर दांव लगाएगी। भोपाल आए तेजस्वी सूर्य और बीडी शर्मा ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य का बयान सामने आया है, 2023 में 100% युवाओं को मौका मिलेगा। बीजेपी काम करने वालों को मौका देती है, बीजेपी सरनेम पूछकर टिकट नहीं देती। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये कहना है बीडी शर्मा का। और वहीं तेजस्वी सूर्या का भी बयान सामने आया, बीजेपी काम करने वालों को मौका देती है, सरनेम पूछकर टिकट नहीं देती। देश में भाई साहब एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपका बिना सरनेम पूछ के, बिना खानदान के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूछ के एक आम युवा कार्यकर्ता को भी सांसद बनाने का, विधायक बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का मौका सिर्फ एक पार्टी में देश में मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। यहां भी मध्य प्रदेश में कई सारे युवाओं का संगठन में भी मौका मिला है, प्रशासन में भी मौका मिलेगा और आने वाले दिन में कई सारे युवाओं को अन्य अन्य लीडरशिप स्थान पर समाज को नेतृत्व करने का बहुत बड़ा मौका प्रदेश में 100% मिलेगा। 2023 में कितने युवा दिखाई देंगे, क्योंकि तेजस्वी सूर्य युवा हमारा आज का हमारा जो नेतृत्व है, यह युवा हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भी हर क्षेत्र में जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर कमान संभाली है, तो नौजवान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे। तो माना 2023 में नौजवानों को भी अच्छे अवसर मिल रहे हैं। और चलिए अब ज्यादा बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अब युवा पर दांव चलने जा रही है बीजेपी, वैसे तो हर क्षेत्र में काम कर रही है, विकास पर्व की बात करें, जगह जगह दौरा करने की बात करें, लेकिन अब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि तेजस्वी सूर्या, अब वो फोकस करने जा रहे हैं युवाओं पर, और युवाओं का अहम योगदान भी रहता है अगर बात करें चुनाव की। तो देखिए, तेजस्वी सूर्या खुद युवा है और उनको बड़ा मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के साथ ही सांसद बनने का कर्नाटक से उनको मौका मिला। लेकिन अब बारी है 2023 की, तो क्या मध्य प्रदेश में युवाओं को मौका मिलेगा? तो तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि 100% मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को मिलने जा रहा। और तेजस्वी सूर्या वो है जो गुड लिस्ट में आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की केंद्रीय नेतृत्व में, और यदि वो कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके बड़े मायने निकाले जा सकते। बड़ी बात यह है कि बात ही बात में परिवारवाद की जो बातें चलती कि हम खानदान देखकर टिकट नहीं देते हैं, सरनेम नहीं पूछती भारतीय जनता पार्टी, तो ये निश्चित रूप से समझ आ रहा कि 2023 में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलने वाला। और इस बात के संकेत बीडी शर्मा ने भी दे दिए जब उनसे पूछा गया। तो मुझे लगता है जिस तरह की बातें कही जा रही है कि टिकट में बदलाव होगा, गुजरात मॉडल पर जाएंगे, तो संभावना बहुत ज्यादा ये बन रही है कि नए लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी 2023 के मैदान में उतारने जा रही, जिस तरह की बात तेजस्वी सूर्या और बीडी शर्मा ने कही है, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म होगी और नए लोगों को मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, तो खुले मंच से यहाँ पर बीजेपी ने ये बात कही है, जहाँ पर युवाओं को फोकस रखा जाएगा, मौका दिया जाएगा और कई बड़े मायने इसके निकल के सामने आ रहे। बहुत शुक्रिया मनोज जी बातचीत के लिए।